अखबारों में, टेलीविजन में, मीडिया में, वो भी डराने के लिए और धमकाने के लिए अपना चेहरा दिखाते हैं। उसकी जगह अगर यही रुपया इन्होंने गरीबों के लिए लगा दिया होता, स्कूलों में लगा दिया होता, अस्पतालों में लगा दिया होता, दवाई में लगा दिया होता, ऑक्सीजन में लगा दिया होता, नर्सों डॉक्टर के लिए लगा दिया होता, तो हमारे कोरोना के दौरान जो लाखों की संख्या में लोग मर गए उनको शायद उनकी मौत नहीं होती और आज वो आपके बीच में जीवित होते और हम तुम सबके साथ में होते। किस तरह से हम लोगों ने देखा है कि लोग सड़कों में चलते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे में लाद कर, सूटकेस में बैठाल करके महिलाएं ले करके घसीट करके ला रही थी, पर इनको नहीं समझ में आया कि हम थोड़ा पैसा लगा करके वहाँ कैंप लगा दें, वहाँ उनके खाने की व्यवस्था कर दें, वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था कर दें, घर वापस नहीं मिले। इसीलिए पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में किसान आंदोलन हुआ। पार्लियामेंट के अंदर बहुजन समाज पार्टी, हम लोगों ने भी बीएसपी की तरफ से किसानों की बात उठाई, उनके लिए बात रखी, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर भी आंदोलन किया, पर इनको कोई असर नहीं हुआ। 700 किसानों की बलि चढ़ गई, 700 किसानों ने शहादत दे दी, उनकी मृत्यु हो गई, उस पर भी इनको चैन नहीं मिला, उस पर भी इनको सुकून नहीं आया, फिर भी कानून वापस नहीं लिया। और उसके बाद क्या किया वो सबने देखा कि चार चार किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल करके और मंत्रियों मंत्री के लड़के के गाड़ी से कुचलवाने का काम इन्होंने लखीमपुर में करने का काम किया। एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल पड़े, हम तो गए थे वहां पर अगले ही दिन, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल पड़े जो कि अपंग हो गए, पूरे जीवन भर अपंग रहेंगे, उनको उन्होंने कुचल करके मारने का काम किया, इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन किसान जो था उसने ये भी सह लिया, फिर कब इन्होंने